हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल एडुकेशन में। आज हम आपके सामने जीके के से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसके आंसर साथ में। ये आपको आगे होने वाले सभी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगे। और ये जो है, आज हम 27 क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए और इसको आप याद कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जमात इस्लामी तथा JKLF पर लगाए गए प्रतिबंध की समीक्षा के लिए गठित ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? आपको पता होगा ये करंट अफेयर जो है, ये अप्रैल के फर्स्ट वीक का ही सारा करंट अफेयर है। वो ये आपको अपने पेपर में पढ़ा भी होगा। तो इसके जो समीक्षा के लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है उसका नाम है जस्टिस चंद्रशेखर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्लेन फिडिच इमर्जिंग आर्टिस्ट ऑफ द ईयर 2019 के लिए किस भारतीय कलाकार को चुना गया है? इसका हो जाएगा आंसर आपको राजू बरैया। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जे महेंद्र का निधन हुआ, वे किस क्षेत्रीय सिनेमा के फिल्म मेकर थे? वो तमिल सिनेमा के थे। हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना? वह है बोलीविया। बोलीविया देश अभी हाल में हमारे सौर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का नया सदस्य बना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2019 यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेलेसन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने तियानलिन 201 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। हाल ही में किस देश ने लगातार तीसरी बार ICC टेस्ट चैम्पियनशिप गदा जीती? ये भारत। अगला क्वेश्चन है, 2019 Formula 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता किसने जीती? इसका हो जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंधमाल हल्दी को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, यह हल्दी किस राज्य से संबंधित है? यह हल्दी हमारे ओडिशा राज्य से संबंधित है, जो भारत देश में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये राजेंद्र जोशी को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? ये जुजान कापुतोवा को चुना गया है। पुरुष एकल वर्ग में 2019 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? रॉजर फेडरर। ये आप देख रहे हैं, आपने अभी तो इतना क्वेश्चन देखा, ये सारे आपको करंट अफेयर ही हैं जो आगे जाके GK का रूप लेगा और आपको ये क्वेश्चन आगे सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। करंट अफेयर तो है ही, साथ में GK भी है एक तरह से। ये इसे आप एकदम कम्प्लीटली देखते रहिए और ये आपको मेमोराइज होता रहेगा। ये याद कोई भी चीज़ को याद करिएगा आप तो ज़्यादा मेमोराइज कर चीज़ ज़्यादा दिन तक दिमाग में रहती नहीं है, पर यदि आप वीडियो देखते हैं उसको सुनते हैं तो वो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा 29 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो कौन सा है? PSLV। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट किस टीम ने जीता 2019 का? ये दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने CPR हाल ही में 100 युद्ध पोत डिलीवर किए? किस भारतीय शिपयार्ड ने हाल ही में 100 युद्ध पोत डिलीवर किए? तो उसका आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर 2019 कब मनाया गया? 30 मार्च को। आपको पता होगा 30 मार्च को हम लोग अर्थ मनाते हैं, मतलब अर्थ से हम लोग हर बहुत कुछ लेते हैं। हम अर्थ को क्या देते हैं? तो हम लोग जो ऐसे बिजली को बचाना है, पानी को सेव करना है, ये सब चीज़ को इनिशिएटिव लेके हम लोग 30 मार्च को एक अर्थ आवर मनाया जाता है। 1 घंटे के लिए हम लोग सारा कुछ सेव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICIC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है,
5G कवरेज वाला विश्व का पहला जिला कौन सा बना? हांगकोउ ये दक्षिण कोरिया में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए आतंक मॉनिटरिंग समूह की स्थापना को मंजूरी दी गई? जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिवरे पेरिस नामक इवेंट में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया? भारत। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने विप्रो के साथ 5G तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एडवांस शोध के लिए समझौता किया? ये आईआईटी खड़गपुर है। आईआईटी खड़गपुर ने विप्रो के साथ मिलके 5G तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में एडवांस शोध के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वस्तु के लिए ब्लॉकचेन इनबिल्ट मार्केटप्लेस ऐप लॉन्च की है? ये हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए भारत सरकार ने ब्लॉकचेन इनबिल्ट मार्केटप्लेस ऐप लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये साथ ही हमारा सारे क्वेश्चंस आज समाप्त हो गए। हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें भी आप देखिएगा, आपको जीके करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, जिन्होंने हमारे चैनल को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि हम लगातार आपके लिए एक से एक अच्छा जीके और करंट अफेयर के वीडियो लाते रहेंगे, जो आपको सारे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। आगे रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, उसके बाद भी कोई एग्जामिनेशन होगा वो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।